गाइस 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स से अब हम कुछ ही दूर हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। भारत के इतिहास में अगर कोई चीज लाल स्याही से लिखी गई है तो वो है पार्टीशन। हमने न जाने पार्टीशन से जुड़ी कितनी भयानक कहानियां सुनी हैं कि कैसे एक बंटवारे ने कितनों से उनके परिवार और घर छीन लिए। ये कहानी 13 साल के अरुण की है। अरुण के दादाजी का हाल ही में देहांत हुआ था। अरुण के दादाजी का घर अंबाला के पास एक गांव खारू खेरा में था। अरुण के पापा शादी के बाद से कभी उस घर में वापस नहीं आए थे और अब अरुण के पेरेंट्स उस घर को जल्दी से बेचकर वापस जाना चाहते थे। वो मकान दिखने में बहुत आलीशान था पर उसके लिए उन्हें कोई भी बायर नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिशों के बाद एक खरीदार मिला पर उसे खारूखेरा गांव पहुंचने में 5 दिन का समय लगने वाला था। इसके चलते अरुण के पापा ने डिसाइड किया कि वो तीनों एक हफ्ते के लिए उसी घर में रह लेंगे। अरुण उस घर में रहकर बहुत खुश था। वहां एक बड़ा सा वेरांडा था, खुली हवा और आसपास बहुत से बच्चे भी थे जो अरुण के साथ शाम को खेला करते थे। एक दिन ऐसे ही बगीचे में खेलते खेलते अरुण का पैर किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर गया। उसने अपने कपड़े साफ करके देखा तो उस बगीचे की मिट्टी एक जगह से ऊपर उठी हुई थी। अरुण ने उसे छेड़ा तो उसे वहां पर जमीन में कुछ उर्दू में लिखा दिखाई दिया। जैसे ही अरुण अच्छे से देखने के लिए मिट्टी हटाने लगा, उसे ऐसा लगा कि उसके बालों को किसी ने पीछे से पकड़कर खींचा हो। अरुण थोड़ा घबरा गया। उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई भी नहीं दिखा। वो उसे अपना वहम समझकर फिर से मिट्टी साफ करने लगा और उसने देखा कि उर्दू के नीचे इंग्लिश में भी कुछ लिखा हुआ था। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि वहां इस्माइल खान लिखा था। अरुण ने उस नाम को जैसे ही बोलकर पढ़ा, उसके सर के बालों को किसी ने जोर से पकड़ लिया और उन्हीं बालों से उसे ऊपर उठा लिया। अरुण दर्द से करहाने लगा। उसने देखा कि उसके पैर अब हवा में थे और उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अरुण जोर जोर से रोने लगा और तभी उसके बालों से पकड़ हटी और वो नीचे गिर गया। अरुण रोता रोता घर के अंदर चला गया और चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह 15 अगस्त थी। हवा में ही देशभक्ति थी। मोहल्ले के सभी बच्चे हाथ में तिरंगा लिए गली गली घूम रहे थे। अरुण भी उनके साथ ही घुल मिल गया। वो अपने साथ हुए हादसे को बिल्कुल भूल ही गया था। शाम तक बाहर घूमने के बाद अरुण थक कर घर वापस लौटा। तब उसने देखा कि एक पतंग उसके घर के बगीचे में लगे एक पेड़ पर अटक गई थी। अरुण को तब याद आया कि वही जगह थी जहां कल शाम उसके साथ वो बुरा हादसा हुआ था। अरुण ने देखा कि उस बगीचे में पेड़ की डाल पर एक दिया भी जल रहा था। अरुण को डर तो लग रहा था पर वो पतंग बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। उससे रहा नहीं गया और वो उस पतंग की डोर से उसे खींचने लगा। खींचते खींचते वो पतंग की डोर डाल पर रखे दिए से टकरा गई और वो दिया जमीन पर गिरकर बुझ गया। उस दिए के बुझते ही अरुण के कानों में दर्द से भरी चीखों की आवाजें आने लगी। अरुण ने अपने कान बंद कर लिए पर फिर भी वो आवाजें कम नहीं हुई। अरुण ने देखा कि कल जहां इस्माइल खान के नाम का पत्थर जमीन में दबा था, वो जमीन अब धीरे धीरे धंसने लगी थी और वो पत्थर जमीन के अंदर जाने लगा था। अरुण डरा सहमा उस पत्थर के पास गया तो उसने देखा कि असल में वहां पर एक पुराना कुआं था। अरुण वहां खड़ा होकर उसे देख ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो उस कुएं में जा गिरा। पानी के गिरने की तेज आवाज सुनकर अरुण के पापा बाहर बगीचे में आए और उन्होंने जो देखा उस पर वो खुद ही विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने देखा कि कुएं के किनारे एक आदमी सर पर टोपी पहने खड़ा था।
उसके पूरे शरीर पर गहरे गांव थे और उसकी गर्दन पर एक बहुत गहरा कट लगा हुआ था। वो किसी भयानक भूत से कम नहीं लग रहा था। वो अरुण के पापा को गुस्से से कहने लगा, मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा, ये घर ये जमीन मेरी है। और ये कहते ही अचानक से वो आदमी हवा में गायब हो गया। अरुण ने मदद के लिए आवाज लगाई और सभी आस पड़ोसी वाले वहां इकट्ठे हो गए। एक बूढ़ा आदमी वहां एक दिया लेकर खड़ा हो गया और बाकी सब ने मिलकर अरुण को उस कुएं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकलकर अरुण ने जो बताया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा कि जब वो कुएं में था तो उसे एक मुस्लिम आदमी के मरने के विजन्स दिखाई दिए। उसने कहा कि दंगों में बुरी तरह घायल होने से उस आदमी की मौत हो गई थी। तभी वो बूढ़ा आदमी जो कुएं के पास हाथ में दिया पकड़े खड़ा हुआ था वो कुछ बोलने लगा। उस आदमी ने सबको बताया कि अरुण के दादाजी के आने से पहले वो घर इस्माइल खान नाम के एक आदमी का था। आजादी के समय जब बंटवारा हुआ तो इस्माइल खान का पूरा परिवार पाकिस्तान जाने को राजी हो गया था, पर इस्माइल ने अपना घर छोड़ के जाने से साफ साफ इनकार कर दिया और उसके साथ वही हुआ जिसका डर था। दंगाइयों ने उसे मारकर उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया। जब अरुण के दादाजी यहां आए तो उन्हें कुछ ही दिनों में ये पता चल गया कि वो इस घर में अकेले नहीं थे। उन्हें कई बार इस्माइल खान की आत्मा भी दिखाई दी, इसलिए अरुण के दादाजी ने कुएं को बंद करके उस पर इस्माइल खान की कब्र बनवाई थी और इस्माइल की आत्मा को शांति देने के लिए वो हर महीने उसकी कब्र के पास एक दिया जलाते थे। आज उस दिए के बुझने की वजह से इस्माइल की आत्मा शायद गुस्से में आ गई थी और इसी वजह से वो सब कुछ हुआ। अरुण का परिवार ये सब सुनकर दंग रह गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर इस्माइल की आत्मा की शांति मांगी। आज भी हर महीने उस घर में एक दिया जलाया जाता है इस्माइल खान की आत्मा की शांति के लिए। दोस्तों, ये कहानी एकदम सच्ची है। ऐसे न जाने कितने लोगों ने पार्टीशन के दंगों में अपनी जान गंवाई है। आइए इस 75th इंडिपेंडेंस डे उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रे करें। ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए और हमारा ये मैसेज अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर पहुंचाइए। जय हिंद। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे भी एंजॉय करो। चेक आउट आवर न्यू एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी पुरानी खाट, ओनली ऑन आवर स्पॉटिफाई पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हमारी अगले हफ्ते की कहानी पेंचा पेची स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और हाँ, हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।